वहीं छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो दिन पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सभी आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति के हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी मीडिया से साझा की है। दो दिन पूर्व छावनी क्षेत्र में एक युवक की बहुत ही बेदर्दी के साथ बेसबॉल बैट से और चाकुओं से गोद के हत्या की गई थी। साथ उसमें एक व्यक्ति मृत हो गया था, एक व्यक्ति घायल हालत में था, जिसको कि सुपेला के हॉस्पिटल के सामने फेंका गया था। जो घायल व्यक्ति था, तुरंत उसको हॉस्पिटल पुलिस द्वारा पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। उसके बयान और सीसीटीवी के आधार पर 7 लोगों को हमने आरोपी बनाया, उसमें से 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 5 को राजनांदगांव से और 1 को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। 7वां जो है मास्टरमाइंड पांडे, वो भी फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शाम तक संभव है। निश्चित रूप से जिस तरह से जो जघन्य ने अपराध किया था और आसपास के लोग देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई आके बचाने की, तो कहीं ना कहीं ये डर पैदा करने के लिए इस हत्याकांड को दिया गया, अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस घटनाकांड को दिया गया, जिसकी प्लानिंग मास्टरमाइंड के दुकानों में हुई थी। इसीलिए कल पुलिस टीम द्वारा जो है तो उनके दुकान को सील कर दिया गया। उसकी फोरेंसिक टीम से बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस के लिए दुकानों को सर्च कराया जाएगा। पुलिस फोर्स द्वारा 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम पेट्रोलिंग के द्वारा जो और जितने निगरानी बदमाश हैं उन पर नज़र रखें, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। गैंग पैटर्न नहीं आ रहा, ये पहली घटना है। पुलिस ने इसलिए इसमें कठोर कदम उठाते हुए सभी को तुरंत पकड़ लिया है, जिससे कि बाकी लोगों के अंदर भी दहशत आएगी और लगातार जितने निगरानी बदमाश हैं और बाकी बदमाश हैं उनकी अब निगरानी और तेज़ की जाएगी। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निगरानी बदमाश और गुंडा बदमाश हैं उनकी फाइल को और खोला जाए और उन पर लगातार नज़र रखा जाए। नहीं, अभी तक यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आई है, इनके CDRK पे भी ऐसी कोई बात नहीं आई है, और क्योंकि गंभीर धाराओं में हमने FIR किया है, लगातार इन पर कार्रवाई की जाएगी।